नमस्कार दोस्तों, आज बनाने वाले हैं अरवे के पत्तों के पतोड़। बेसन के पतोड़ बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, आधा छोटी चम्मच हींग, 2 चम्मच धनिया, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटा नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच हमने खटाई ली है, अमचूर पाउडर जिसे कहते हैं, और काला नमक चाहिए। हमने आधा चम्मच काला नमक लिया है। हमने अरवी के पत्तों को धो के पोंछ के साफ करके रख लिया है और अब हम इसे काट के बताएंगे आपको कैसे। जब हम इसे रोल करेंगे तो दिक्कत करेगी ये, तो उसको हटा के अलग कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे पत्तों की ये काट लें स्टेम और इसके ऊपर फिर बेसन लगा के दिखाते हैं। तो में हम बेसन डाल लेंगे। धनिया ऐड कर लिया है, आमचूर का आमचूर पाउडर, काला नमक, अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रम्बल करके डालेंगे, इससे फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। हींग, सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। अब हमने मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके 2 अदरक के गांठे ले ली थी, 4-5 हरी मिर्ची ली और 4-5 लहसुन को पीस के हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको भी मिला देंगे। जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। पहले जो हमने सारे मसाले डाले हैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी डाल के इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पहले पानी ऐड करेंगे, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो रिमूव करेंगे, फिर इसका हमें एकदम थिक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। अभी हमने इसके अंदर टोटल 1/2 कप पानी डाल दिया है। 1.5 कप हमने बेसन लिया था उसके अंदर हमने 1/2 कप पानी डाला है। अभी हमने इसके अंदर 2 चम्मच पानी और ऐड करा है। अब हम इसके अंदर पानी और नहीं डालेंगे, ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और एकदम से रनी भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। इस तरीके का देखिए बैटर होना चाहिए हमारा, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा ही गाढ़ा है। एक पत्ता लेंगे, उसे उल्टा बिछा देंगे। इस तरफ से हम लोग सीधा बोलते हैं और इधर से उल्टा, इसके उल्टे तरफ से हम बेसन लगाएंगे। जो पत्ते की उल्टी साइड है उसके ऊपर बेसन लगाएंगे। बेसन की एकदम पतली लेयर लगाएंगे, ज़्यादा मोटा बेसन नहीं रखेंगे। इसके ऊपर फिर से हम एक अपना दूसरा पत्ता रख देंगे। अब इस साइड से डालेंगे, मतलब अपोजिट साइड बनानी है हमें इसकी। जो हमारी मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं पतोड़। आप भी मम्मी के मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके भी पतोड़ बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यही सेम प्रोसेस हम 2-3 पत्तों और के साथ रिपीट कर लेंगे, फिर हम आपको उसको फोल्ड करना बताएंगे कैसे फोल्ड करना है इसको। हमने 4-5 पत्ते ऐसी इस सेम प्रोसेस से कवर कर लिए हैं बेसन से, अब इसको हम फोल्ड करेंगे।
तो हम पहले ये जो आम साइड होती है इसको फोल्ड करेंगे, दबा देंगे, इसके ऊपर भी बेसन अप्लाई करेंगे। अब दूसरी साइड से ही सेम प्रोसेस, इसके ऊपर भी बेसन अप्लाई कर लेंगे। इसको ऊपर से धीरे धीरे रोल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम स्विस रोल खाते हैं वैसे ही इसको बिल्कुल रोल करना है। अब इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सा आपका काउंटर गंदा होएगा, इस तरीके से हम इसको रोल कर लें, इसको एक प्लेट में रख लेंगे जिसमें हम अपने रोल को, ये जो हमारे पतौड़ हैं इनको स्टीम करेंगे, उस जाली स्टैंड पे हम इसको रख लेंगे। इसको हमने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। अपने पत्तों में हमारे 3 रोल बनकर तैयार हुए हैं, अब इसको हम स्टीम कर लेंगे। अब हमारे जो रोल हैं वो स्टीम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जो पत्ते हैं इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मतलब हमारे ये रोल पक चुके हैं। अब इनको ठंडा कर लेंगे एक प्लेट में निकाल कर। एक तरफ हमने सरसों का तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है अपने रोल को फ्राई करने के लिए। जो रोल है वो ठंडे हो चुके हैं, अब इनके पीसेस कट कर लेंगे, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे हम इनको कट कर लेंगे। इतने सुंदर पीसेस हैं इनके, और इसको इस तरीके से हम सारे रोल के पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे। अब हमारा तेल जो है वो गर्म होकर तैयार है। इस जो हमें पतौड़ तलने के लिए तेल ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ही ठंडा, मीडियम हमें तेल चाहिए। हमने ड्रॉप कर देंगे, ये जो पतौड़ हैं वो गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे। पतौड़े हैं वो बनकर तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पतौड़ बने हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को करना है लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा करना है कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।